75,000 रुपए। कितने सीटर गाड़ी? 1.5 लाख। 1,65,000। इंजन बॉडी टायर अब कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वर्किंग पोजीशन में है और रेट इसके 90,000 रुपए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं हमारी एक और नई वीडियो आपके लिए। आज हम फिर से बहुत अच्छा सा गाड़ियों का कलेक्शन लेके आए हुए हैं, कुछ छोटी बड़ी सारी तरीके की आपके लिए गाड़ी लेके आए हुए हैं। उसमें CNG भी आपको मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल सारी तरीके के फ्यूल के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और प्राइस भी आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल मिल जाएंगे। आज आए हुए हैं बाबा कार बाज़ार, यहाँ पे आपको फाइनेंस फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो जाएगी। अगर कहीं बाहर से देखना तो उसके लिए आपको NOC भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। और बाकी वीडियो में आप बने रहिएगा। चैनल में जो भी पहली बार आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट करेगा, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बाकी अब आपके टाइम को तो वेस्ट नहीं करते हैं, जो भैया हैं जिसे फ़ोन करते हैं उनके पास चलते हैं, कुछ गाड़ियों की स्टेप बाई स्टेप भी डिटेल लेते हैं, कुछ आपको देते हैं। तो भैया क्या हाल है, कैसे हैं? तो कलेक्शन 250 वाला लेके आए, भाई लोगों को मज़ा आएगी? भाई लोगों को बढ़िया मज़ा आएगी। चलिए अच्छी बात है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे आज? आप स्टार्ट करें इको वैन से। इको वैन से, चलिए अच्छी बात है। तो डिटेल बताइए। 2020 लास्ट की है। ठीक है, 2 साल का बीमा है गाड़ी का, जिसका कि अभी फर्स्ट पार्टी बीमा चल रहा है गाड़ी में। हाँ हाँ। और थर्ड पार्टी 2023 में मिलेगा, मतलब 2 साल का बीमा ही मिल जाएगा, 2 साल का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। जी ठीक है। 1.5 साल गाड़ी पुरानी, 1.5 साल पुरानी जी, 2020 लास्ट है ना। वेरी गुड जी। पावर स्टेयरिंग है, AC है, CNG है, 5 सीटर गाड़ी है। ठीक है, CNG पे एवरेज? CNG में एवरेज आपका 25-27। इसमें AC होता है भैया? AC है। अरे वेरी गुड। तो UP 77 नंबर भैया, ये कहाँ का 77? कानपुर देहात का। ठीक है भाई लोग, कुछ डिटेल दिखा देते हैं। इस तरीके से सामने की आपको कुछ गाड़ी देखने को मिल जाएगी, फुल रेड कलर है और काफ़ी अच्छा कलर है, साल भर 1.5 साल 2 साल पुरानी, भैया क्या बता रहे हैं। उसके बाद अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको यहाँ पे कंट्रोल वगैरह ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा। बाकी इस तरीके का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। सीट कवर की क्वालिटी वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, 1.5 साल पुरानी गाड़ी, ज़्यादा पुरानी भी होती भी नहीं है। अगर पीछे की दिखाऊँ तो पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। बाकी अगर CNG दिखाऊँ मैं इसकी आपको, तो यहाँ पे CNG टैंक भी है। कितने लीटर का टैंक है ये, कितने किलो का? सॉरी 14 किलो का है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको CNG टैंक मिल जाता है। तो भैया ओनरशिप फर्स्ट है, सेकंड ओनर है। चली गली कितनी होगी? है रीडिंग 44,000। 44,000। कितने पैसे मांग रहे हैं भैया? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए। नई की अगर बात करें तो नई कितने तक की आ रही है आज के टाइम पे? 7 के करीब आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब 1.5-2 साल में आधे पैसे कम हो जाएंगे, टूट के आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो भी एकदम मतलब अच्छी, एकदम ब्रांड न्यू तरीके की आपको गाड़ी। ओरिजिनल रीडिंग कोई भी पार्टी बीमा मिल रहा है, तो इसका एक थर्ड पार्टी बीमा है जो कंपनी से मिलता है, 3 साल का बीमा पूरा वैलिड है। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बगल में शेवरलेट टवेरा बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, कुछ डिटेल हो जाए इसकी। गाड़ी अभी पूरी ओरिजिनल पेंट में रखी हुई, हल्का फुल्का टच अप हुआ है गाड़ी में। हाँ, डीजल वेरिएंट में गाड़ी, डीजल है, है। एवरेज डीजल पे कम से कम 14-15 का एवरेज गाड़ी में। वेरी गुड। पूरी इंजन बॉडी टायर सब कुछ ओरिजिनल लगा हुआ गाड़ी में, कुछ भी नहीं कराना है गाड़ी में आपको। ठीक है, 2000 कौन सा वेरिएंट है ये? 2005 का मॉडल। डीजल पे एवरेज कितना देती है? 14-15। कितने सीटर गाड़ी है? 10 सीटर है। कितनी चली होगी? रीडिंग आप भी जानते हैं, 1 लाख के ऊपर है रीडिंग। 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, टर्बो वर्बो वाला डीजल टर्बो है ये? चलिए अच्छी बात है। अपोलो के इसमें आपको टायर मिल जाएंगे, टायर कंडीशन भी मतलब ठीक है, अराउंड 65% टायर इसमें है। कुछ इस तरीके से आपको सामने से गाड़ी देखने को भी लग जाएगी, मतलब अच्छी है, मतलब ओवरऑल। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। आप इस तरीके का आपको आगे भी इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से। पीछे की अगर बात करें बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल इस तरीके कुछ देखने को लग जाती है, 4 लोग बैक में बैठ जाते हैं। डीजल पे एवरेज वगैरह 2.5 लीटर है ये। ठीक है, तो कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में 10 सीटर गाड़ी देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बगल में भैया अपने पास एक इंडिका लगी हुई है, इसका टायर वायर क्या चेंज करवा रहे हैं आप? तो चली वाली कितनी है ये? रीडिंग इसकी है 80-85 हज़ार, डीजल में है, 2011 मॉडल है। ठीक है, बाइक के रेट में देंगे ये? 75,000 रुपए। 75,000 रुपए कार, 75,000 रुपए, मतलब 75,000 रुपए में बंदा कार लेके जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। डीजल पे एवरेज 20+। चली कितनी भैया?
85,000 ठीक है। जेन्युइन कोई चेक वेक करा सकता है? कुछ काम वाम तो भैया नहीं है गाड़ी में? कुछ नहीं करा। चलिए, मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं, तो ये कोई लेगा तो कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे के टायर भी इसमें आपको अच्छे मिलते हैं, मतलब फ्रंट भैया पूरी आपको करके देंगे। बाकी अगर फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की बात करें तो ऐसी कुछ गाड़ी आपको देखने को लग जाएगी। तो 75,000 रुपये भैया ये आप भाई लोगों को दे देंगे आप? ठीक है, अच्छी बात है। इसमें कुछ मोहब्बत इसमें भी मोहब्बत हो जाएगी? अरे वेरी गुड। उसके बगल में अपने पास एक एवरी ग्रीन सदाबहार अल्टो खड़ी हुई है भैया, फुल सिल्वर कलर की। पहले इसका आपको बैक प्रोफाइल दिखा दें, मतलब रफ एंड टफ गाड़ी, UP77 कानपुर देहात का आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन मेरे को लग रहा है। इसमें ओरिजिनल पेंट भी इसका ओरिजिनल ही है। इस तरीके की आपको गाड़ी देखने को लग जाएगी। टायर कंडीशन बढ़िया है इस तरीके के हैं। तो भैया आपको डिटेल हो जाए गाड़ी की? 2007 का मॉडल है। ठीक है, गाड़ी में कुछ नहीं कराना है आपको भी? ठीक है, कुछ भी नहीं, एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग में है। एसी भी है? हाँ, एसी है, पावर स्टीयरिंग है, LXi है, अल्टो LXi है। पेट्रोल है? प्योर। कितनी चली है इसकी रेटिंग? है अप्रोक्स एक लगभग होगी 1,00,000। चलिए, बढ़िया अच्छी बात है। मतलब इंजन बॉडी टायर कुछ नहीं कराना, सब कुछ वर्किंग पोजीशन में, और रेट इसके 90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं? इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस इनवैलिड है, मतलब एक्सपायर है। ठीक है, कोई दिक्कत, इंश्योरेंस हो जाएगा। तो 90,000 रुपये में दे रहे हैं जी। तो इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का आपको डैशबोर्ड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पीछे आपको अंदर सीट कवर इकवर बढ़िया धांसू से दिख जाएंगे। 90,000 रुपये में आप अच्छी सी डील इनको क्रैक कर सकते हैं। बाकी प्राइस आर फर्दर मोर नेगोशिएबल। थोड़ा बहुत भैया प्यार मोहब्बत बिल्कुल कर देंगे, थोड़ा सा अपना रेफरेंस देंगे तो बिल्कुल और भी कर देंगे। तो भैया नेक्स्ट अपनी यहाँ पे ईयॉन खड़ी हुई है, फुल वाइट कलर की। पता नहीं मुझको इसकी कंडीशन अच्छी लग रही है या एक्चुअल में इसकी कंडीशन अच्छी है। पहले मैं आपको गाड़ी का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपको कुछ लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। टायर कंडीशन की बात करें तो टायर कंडीशन ऑलमोस्ट बढ़िया से लगे हुए हैं इसमें। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार, नीट एंड क्लीन है। सीट कवर इकवर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पीछे से भी गाड़ी आपको नीट एंड क्लीन मिल जाएगी, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी भी है। अगर बैक की बात करें तो बैक में आपको सिर्फ लाइट टूटी हुई मिल रही है, भी शायद हो सकता हो चेंज हो जाएगी भैया। मतलब बोल रहे हैं DB सीरीज़ है, UP कानपुर के ही नंबर में मिल रहा है। तो भैया कुछ डिटेल हो जाए बढ़िया सी। 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, CNG लगा हुआ है। अच्छा, CNG भी है? अरे वेरी गुड, CNG पे तो फाड़ देती होगी एवरेज में। 28 के एवरेज है, पेट्रोल में 18 का है। ठीक है, छोटे मोटे टचअप कराए मैंने, छोटे मोटे टचअप कराने जैसे कि आप साइडें हो गए, लेकिन यार सही तो है मेरे को लग रहा है। अच्छा करा दिया है भाई, मैं कहूँ सही लग रहा है मेरे को, आप फिर बोल रहे हो। ठीक है, आपको लाइट इसमें थोड़ी सी फूटी हुई है, वो आपको चेंज होके मिल जाएगी। एवरेज इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। भैया ओनरशिप की अगर बात करें तो कितने होंगे? अच्छा फर्स्ट ओनर, अरे वेल एंड गुड। चली कितनी है? इसकी रीडिंग है 75,000। 75,000, ठीक है। फिलहाल गाड़ी में कुछ काम तो नहीं है? कुछ नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। ठीक है, मतलब बड़ा ओवरऑल धांसू है। कितने पैसे मांग रहे हैं? 1,65,000। 1,65,000, 1,65,000। 2013 बताया आपने? 2013 लास्ट की फर्स्ट ओनर, CNG लगा हुआ। चलिए अच्छी बात है, इसमें भी कुछ मोहब्बत हो जाएगा मौके पे जितना। ठीक है, 1,65,000 रुपये भैया इसके कोट कर रहे हैं। 2013 लास्ट वेरिएंट है, आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बगल में अपने पास एक एवरग्रीन ओमनी लगी हुई है। तो भैया कुछ डिटेल इसकी भी हो जाए। 2012 मॉडल है, CNG लगा हुआ है। 12 है जी, 8-सीटर गाड़ी है। चली कितनी है भैया? इसकी रीडिंग है, ब्रांड गाड़ी आप भी जानते हैं, 8590 की गाड़ी। ठीक है, प्राइवेट है, येलो नंबर प्लेट नहीं, कमर्शियल नहीं है। और CNG पे एवरेज वगैरह? एवरेज है 25+। ठीक है, ये AC तो आती नहीं मेरा ख्याल है ना? AC नहीं आती वैन में अपनी, AC जो आपने इको वैन अभी देखी है उसमें AC आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। टायर कंडीशन वगैरह ठीक है? थोड़े से गंदे इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मिट्टी लगी हुई है, बारिश वगैरह हो रही है, सीजन चल रहा है, मतलब ठीक है, ओवरऑल बढ़िया टायर है। तो भैया कितने पैसे मांग रहे हैं फिर? 1,25,000। ठीक है, थोड़ा बहुत और निगोशिएट करेंगे। ठीक है, तो भैया के शोरूम के अंदर आ गए। यहाँ पे भैया की कुछ और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, बट डोंट वरी, आपको फोटोज आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो भैया अपने पास वैगनार एक खड़ी है, तो कुछ डिटेल हो जाए इसकी? 2009 मॉडल है, फर्स्ट ओनर, CNG लगा हुआ है गाड़ी में, पेट्रोल भी है गाड़ी में, पेट्रोल भी है, पेट्रोल प्लस CNG, पेट्रोल प्लस CNG, फर्स्ट ओनर, सिल्वर कलर। ठीक है, चली कितनी है ये? इसकी गाड़ी की रीडिंग है अप्रॉक्स 1,00,000 के करीब। अच्छा, CNG लगा हुआ है? CNG लगा हुआ है। ठीक है, ओनरशिप? फर्स्ट। तो कितने पैसे मांग रहे हैं? 1,25,000। 1,25,000, ठीक है। उसके बगल में अपने पास एक ऑल्टो खड़ी, उसकी कुछ डिटेल हो जाए? 2007 मॉडल है। ठीक है, पेट्रोल से गाड़ी है। ठीक है जी, जिसके पैसे डिकोड करें 70,000। 70,000, और उसमें कुछ काम वाम तो नहीं है? अभी कुछ नहीं कराना है, ना टायर ना बॉडी ना कुछ नहीं।
ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे काम करवा के। चली वाली कितनी है वो? चली इसकी रेटिंग ऐसी 85-90 के करीब है। और पेट्रोल है? पेट्रोल है, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक वाइट कलर की ऑल्टो खड़ी हुई है, 2015 मॉडल है, ठीक है, पेट्रोल से जी। पैसे रिकॉर्ड करें 2 लाख 2 लाख रुपए 65,000 चलिए, ठीक है। और उसमें कुछ काम वाम तो नहीं है? पेट्रोल है, गैस है? पेट्रोल है, ठीक है। उसके अलावा अपने पास और कौन कौन सी गाड़ी मिल जाएगी? ठीक है, 2009 लास्ट का है, और पेट्रोल से गाड़ी है, टॉप वेरिएंट है, एयरबैग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और पैसे डिकोड करें 1,25,000 1,25,000 ठीक है। मतलब 1,00,000 रुपए अगर कोई लेके आएगा तो गाड़ी लेके तो जाएगा, है ना। जो भी अपने पास आज गाड़ियाँ थी भाई लोगों को बता दी है, तो भैया लोन फाइनेंस वगैरह भी बता दी है, एनओसी वगैरह भी, फाइनेंस एंड आरटीओ का भी। अच्छा जी, कहाँ तक के हो जाएगा फाइनेंस, कहाँ तक के हो जाएगा, कितनी दूर में? 10 साल पुरानी गाड़ियों में। कितनी दूर का कोई बंदा आ रहा है तो? 1.5 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। अगर अगल बगल आजमगढ़, लखनऊ, पखनऊ और पेपर अगर कम्प्लीट है तो आप 300-350 भी तो फाइनेंस हो जाएगा, अगर पेपर वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छी बात है। एनओसी कहीं के लिए भी दे देंगे, ठीक है। और मतलब कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? कुछ कोई भी बंदा नहीं, आएगा यहाँ ऑफिस में बैठेगा, यहीं से आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, यहीं से आप पेपर ले जाइए, यहीं से आपका फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी भाई लोगों को हमारे बाय बोल जाइए, बाय, ठीक है। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, उससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज निशान, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।